आज हम बनाएंगे हरा मटर और आलू की सब्जी। इसके लिए सामग्री चाहिए। हरा मटर 1 कप, उबला हुआ आलू 2 से 3, टमाटो प्यूरी 1 बड़ा चम्मच, बारीक कटा हुआ अदरक 2 चम्मच, तेल 2 बड़ा चम्मच, तेजपत्ता 2, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। बनाने की विधि। पहले एक कढ़ाई को स्टोव के ऊपर रखिए। फिर उसमें 2 चम्मच तेल डालिए। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 2 तेज पत्ता डाल दीजिए। हींग 1 चम्मच डालिए। बारीक कटा हुआ अदरक 2 चम्मच डालिए। फिर सभी को तेल में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। फिर उसमें टमाटर प्यूरी 1 बड़ा चम्मच डाल दीजिए। फिर सभी को अच्छे से मिला लीजिए। उसमें लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालिए। आमचूर 1/2 चम्मच डालिए। फिर सभी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर आप उसको स्टोव के ऊपर तब तक रखिए जब तक मसाला अच्छी तरह से पक ना जाए। जब मसाला रेडी हो जाए तो उसमें हरा मटर डाल दीजिए। फिर मटर को मसाला में अच्छी तरह से मिला लीजिए। फिर उसमें उबले हुए आलू का छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल दीजिए। फिर सभी को अच्छे से मिला लीजिए। उसमें नमक स्वाद अनुसार मिलाइए। फिर उसमें अपना जरूरत के हिसाब से पानी मिला दीजिए। फिर सभी को अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब आप उसको लगभग 10 मिनट तक स्टोव के ऊपर रख के पकाते रहिए ताकि सभी चीज अच्छे तरह से पक जाए और थोड़ा ग्रेवी गाढ़ा हो जाए। अब हमारा मटर आलू की सब्जी रेडी हो गया है। आप इसको व्रत में भी सर्व कर सकते हैं।